सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे पंचदशा पाठः, पाठ 15 प्रकृति वेदना, पेज नंबर 40। कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग भी समझेंगे। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण सुधार को लक्ष्य कर लिखा गया एक संवाद परक पाठ है। इसमें नदी और वृक्ष के परस्पर वार्तालाप द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि नदियां रासायनिक तत्वों से किस सीमा तक प्रदूषित हो रही है तथा निरंतर काटे जाने से वृक्षों का कैसा विनाश हो रहा है। पाठ का प्रारंभ गर्मी से व्याकुल चार मित्रों के वार्तालाप से होता है। नदी में स्नान करते समय उन्हें प्रकृति, नदी और वृक्ष की वेदना भरी आवाज सुनाई देती है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्मर्तौ विद्युत भावे प्रचंडष्मणा पीड़िता मयंकः गृहात् निष्क्रम्य। क्या कहते हैं, ग्रीष्मर्तौ ग्रीष्म ऋतु में विद्युत अभावे मीन्स विद्युत के अभाव में, इट्स मीन्स बिजली के अभाव में लाइट नहीं थी, है ना। और तेज गर्मी से प्रचंड उष्मणाम, तेज गर्मी से पीड़ित मैं घर से निष्क्रम्य गृहात, पंचमी भक्ति का प्रयोग हुआ है। तेज गर्मी से पीड़ित मयंक जो है घर से निकल करके फिर आगे का जो है इस के माध्यम से दिया हुआ है। किसके माध्यम से, जो यहाँ पर पात्र हैं उसके माध्यम से दिया हुआ है। तो पहले में मयंक कहता है निकल करके, मयंक घर उष्मणा पीड़ितो अस्मि, गर्मी से पीड़ित हूँ, शरीरात श्वेत धारा प्रस्वंती, शरीर से पसीने की धार निकल रही है, अये मित्राणी इत आयंती, अरे मेरे मित्र इधर आ रहे हैं। ससांक कहता है आकर के, है ना, ससांक आकर के, आगत्य आकर के, आकर के कहता है वैश्य, है ना, मित्र। घर्मोष्मणा व्याकुलो अहम्, घर्मोष्मणा में धूप के ताप से व्याकुल हूं, अहम् मैं धूप के ताप से व्याकुल हूं, गर्मी से व्याकुल हूं। मयंक कहता है अहमपि तथैव, मैं भी वैसा ही, आगच्छ खारुन नदी तीरम गच्छामः, आओ खारुन नदी के किनारे जाते हैं। ते सर्वे नदी तीरम गच्छन्ति, वे सभी नदी के किनारे चले जाते हैं। मार्गे एकम सरह दृष्टवा, मार्ग में रास्ते में एक तालाब देख करके। क्या कहता है, जैसे देखिए परिदृश्य में दिखा गया है, है ना, देख करके संस्कार कहता है क्या, मयं पश्य अस्मिन् सरसी, देखो इस अस्मिन् इस तालाब में कानिचित विकसितानि अन्यानि निर्मिलितानि पुष्पाणि सन्ति एतत् कथं संभवति, इस तालाब में कुछ अधखिले और कुछ खिले हुए फूल भी हैं, ऐसा कैसा संभव है। मयं मित्र यानि सूर्योदये विकसन्ति तानि पद्मानि, यानि च चंद्रोदये विकसन्ति तानि कुमुदिनी इति। मित्र यानि सूर्योदय के होने पर, अर्थात सूर्योदय होने पर खिलते हैं, वे क्या हैं, तानि वे पद्मानि कमल हैं, और जो चंद्रोदय विकसन्ति तानि कुमुदिनी इति, और जो चंद्रोदय होने पर, चंद्रमा के उदय होने पर खिलते हैं, वे कुमुदिनी हैं। वार्तालापम कुर्वन्तः ते खारुन नदी तीरम निमज्जन्ति, बातचीत करते हुए वे खारुन नदी के किनारे स्नान करते हैं। निमज्जन्ति, निमज्जन मीन्स स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। संयोग, संयोग कहता है हा 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 आनंद प्रदोयम जल विहार, आनंद प्रदोयम, ये जल विहार आनंददायक है। गर्मी के दिनों में आप स्नान करते हो तो अच्छा लगता है ना, वैसे ही इन लोग जो है जब नदी में डुबकी लगा रहे हैं तो बड़ा आनंददायक है, ऐसा करके बोल रहे हैं। मयंक आम सत्य मुक्तम भवता, आम हाँ आप सत्य कहते हो, शीतले अस्मिन् जले मंदेन समीरेण च मनः प्रसिद्धति,
जो इस शीतल जल से, इस भीषण गर्मी में और इस शीतल जल से और धीमी ठंडी हवा से मन प्रसन्न होता है। मनः प्रसिद्धति समीरे समीरेण, समीर से हवा से, मंदेन मंद हवा से, है ना, धीमी हवा से मन प्रसन्न होता है। शशांक, शशांक कीदृशम शोभनम दृश्यम, कीदृशम कैसा सुंदर दृश्य है। मत्स्या सरिति क्रीडंती, मत्स्या मीन्स मछली और सरिति नदी में खेल रही है, क्रीडंती मंडुका इतस्ततः प्लवंते, मेढक इधर उधर तैर रहे हैं। तटे समाहिता कुर्मा जना नाम सम्मर्दात भीता नद्याम प्रविशंति, और तट के किनारे, नदी के तट के किनारे स्थित कछुआ लोगों के भीड़ से डरे हुए नदी में प्रवेश करते हैं। जना नाम सम्मर्दात, सम्मर्दात में होता है भीड़, लोगों की भीड़ को देख करके भीता नद्याम प्रविशंति, नदी के भीतर जो है कूद रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, जो और मेढक कूद रहे हैं, और जो क्या है तटे समाहिता कुर्मा, कुर्मा मीन्स यहाँ पर कछुए को लिया गया है, तो कछुए जो है लोगों की भीड़ को देख डरे हुए जो है नदी में जैसे ऊपर में दिखाई देते हैं, लेकिन लोग जब देखने के लिए आते हैं तो अंदर जो है नदी में प्रवेश कर जाते हैं। सहसा श्रूयते विषादमय रोदन ध्वनि, और ऐसे ही बात करते हुए अचानक दुख भरी रोने की आवाज सुनाई देती है। प्रथमा शून्यवाणी हाधिक हाधिक कृदसम मम जीवनम, शून्यवाणी ऐसा वहां से आवाज प्रस्फुटित होती, क्या हाय धिक्कार है, धिक्कार है, कैसा है मेरा जीवन, कीदृशम मम जीवनम। मयंक, मयंक कहता है इतस्ततः अवलोक्य, मयंक इधर उधर देख करके नद्यास्वर इव प्रतीयते, नदी की आवाज की तरह लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अन्यतः अपि ध्वनिम श्रूयते, जैसे ही मयंक ऐसा कहता है तो अन्य लोग भी उस ध्वनि को ध्यान से सुनते हैं। द्वितीया में जो आकाशवाणी सुन, फिर से आवाज आई, क्या माम ममापि च जीवन मन अत्यंतम कष्टप्रदम जातम, फिर शून्यवाणी वे कि मेरा भी जीवन अत्यंत कष्टदायक हो रहा है, कष्ट जीवनम अत्यंतम कष्टप्रदम जातम। संस्कार कहता है साश्चर्य विलोकियन, संस्कार जो है आश्चर्य भर से देखते हुए वृक्षस्य स्वर इव प्रतीयते, वृक्ष की आवाज की तरह लग रहा है। मित्राणि ध्यानेन परस्परम अवलोकयन्ति, मे सभी मित्र ध्यान से आपस में देखते हैं। नदी तव समस्या का अस्ति, तव समस्या का अस्ति, तुम्हारी क्या समस्या है। माँ पश्य, माँ पश्य, तुम्हारी क्या समस्या है मुझे देखो। जना रासायनिक है वो करे मम जलम दूषयंती, लोगों की रासायनिक कूड़े कचरे से मेरा जल दूषित हो गया है। नदी कहती कर कुर्मा मकरा मत्स्यादय सर्वे जलचरा संत्रस्ता, कछुए मगर और मछली आदि सभी जल में रहने वाले जीव परेशान हैं। वृक्ष आम, हाँ सत्यम तव कथनम परम मम व्यथा व्यतो व्यतोपि अधिका त्वतोपि अधिका, त्वतो मीन्स तुम्हारे से भी अधिक है। हाँ तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन है ना जो है सत्य कहना है तुम्हारा कहना, लेकिन मेरी पीड़ा तो तुम्हारे से भी अधिक है। त्वं प्रवहन्ति जीविता तू असी परम निरंतरम वर्तन कर्तने वयम तू समूला एव नष्टा भवाम, तुम बहती भी जीवित तो हो ना, परंतु लगातार काटने से हम तो जड़ से भी नष्ट हो रहे हैं, ये वृक्ष का कहना है। नदी वृक्षा वृक्षयो एतादृशं विषादं श्रुत्वा ते परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, नदी और वृक्ष के बीच इस तरह की पीड़ा सुन करके वे आपस में बातचीत करते हैं। मयंक कहता है नदी वृक्षादयः प्रकृति उपहाराः किंतु अस्माभिः एते ग्रसी दशा प्रापिताः, नदी वृक्षादयः प्रकृति उपहारः, नदी वृक्ष, मयंक कहता है नदी वृक्ष आदि तो प्रकृति के उपहार हैं, भेंट हैं जीवों के लिए, किंतु अस्माभिः एते ग्रसी दशा प्रापिताः,
किंतु परंतु हमने उन्हें एक ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया है। संयोग कहता है आम हाँ पश्य तटे वर्तुलाकारेण स्थिते त्यम वृक्षावली मनसि एतावती व्यथ वन्त्योपि समागतेभ्यः फलानि अर्पयन्ति। हाँ देखो किनारे में गोलाकार स्थिति में पेड़ों की पंक्ति वर्तुलाकारेण गोलाकार स्थिति में पेड़ों की पंक्ति मानो ऐसा कह रही है कि वह पीड़ा सहकर भी अपने पास आने वाले को फल देती। कीदृशीम वृक्षावले मनस एतावती व्यथा वहन्त्योपि समागतेभ्यः फलानि अर्पयन्ति। देखो किनारे में गोलाकार स्थिति में पेड़ों की पंक्तियां मानो ऐसा कह रही है कि वह पीड़ा सहकर भी अपने पास आने वाले को फल देती है। मयंक कहता है निदागे अस्मिन् एषा नदी अपि स्वस्तितलेन जलेन असमान आनंदयति। इस भीषण गर्मी में यह नदी भी अपने शीतल जल से हमें आनंद देती है। शशांक कहता है अहम अनुभवामि यत येन केन प्रकारेण वृक्ष कर्तनम जल प्रदूषणं च अवरोधनीयम अयमेव अस्माकं संकल्पः स्यात्। मैं अनुभव करता हूँ कि येन केन प्रकारेण जैसे भी वृक्ष काटने और जल प्रदूषण करने वालों को रोकूंगा और यही अयमेव अस्माकं संकल्पः स्यात्, यही हमारा संकल्प है। मयं कहता साधु वयं मिलित्वा एतदर्थं जनजागरणाय प्रयत्नं करिष्यामः उक्तं च परोपकाराय सतां विभूतयः। मयं कहता अच्छा हम सब मिल करके इसके लिए जनजागरण लोगों को जागरूक करेंगे और करने का प्रयत्न करेंगे। और कहा भी गया है क्या उक्तम च क्या कहा गया परोपकाराय सतां विभूतयः परोपकार सज्जनों का धन होता है। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है पार्ट। इसमें कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग कंसल्ट करिएगा, शब्दार्थ मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा और इसमें जो इसका ट्रांसलेशन है उसको आप लोग बार बार वीडियो वॉच करके आप लोग ट्रांसलेट करने का प्रयास करिएगा और वर्ड मीनिंग आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके।